कि आरएलपी को बीजेपी में मिला दो और आपको मंत्री बना देंगे। मैंने कहा मंत्री पदों को ठोकर मारता हूँ, मेरा नाम हनुमान बेनीवाल है, ये आरएलपी पार्टी का पौधा जो मैंने राजस्थान के अंदर लगाया, ये वट वृक्ष बनेगा, ये बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा जिसकी छाया के तले हजारों नेता तैयार होंगे राजस्थान के। इसलिए भाई मैंने कहा मंत्री पदों को ठोकर मारता हूँ, मेरा नाम हनुमान बेनीवाल है, मेरा नाम हनुमान बेनीवाल है, ये आरएलपी पार्टी का पौधा जो मैंने राजस्थान के अंदर लगाया, ये वट वृक्ष बनेगा, ये बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा जिसकी छाया के तले हजारों नेता तैयार होंगे राजस्थान के। इसलिए भाई हनुमान बेनीवाल ने मंत्री पदों को फुटबॉल बना दिया पांच बार, हनुमान बेनीवाल ने मंत्री पदों को फुटबॉल बना दिया पांच बार, तब जाके लोग दिक्कत लगा लोगों की ऐसी क्या नेता होंगे, प्रधान बन जाते हैं भूल जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं पता नहीं, जाना तो शाम को तो वही पड़ेगा, तीन दिन बाद वही जगह होगी, लेकिन हवा के अंदर प्रधान बन गए, सरपंच बन गए, लेकिन अपनी हैसियत भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा हर आदमी को अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए, और जो आदमी अपनी हैसियत याद रखता है वो कभी उसका नुकसान नहीं होता, और जो हैसियत भूल जाता है तो आपको पता है कि राजा रावण कंस उनका क्या हुआ था, तो बड़े बड़े चले गए तो छोटे छोटे की हैसियत क्या है, क्योंकि समय का फेर है। और मैं तो सबको जानता हूँ जिले के अंदर, इस देश के प्रदेश के अंदर, कि किन किन नेताओं की दुर्गति हुई और किन नेताओं के हनुमान बेनीवाल कब कब काम आया, सारी को डायरी और पेन लेके हर जगह जाके नहीं बताऊंगा कि उसका कौन रात को 2 बजे आके पेन पकड़ता, कौन 3 बजे आता तड़के। मैं धंधा थोड़ी करता, मैं मेरे घर के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता, जिस तरह ज्योति मिर्जा रिकॉर्डिंग करती, मैं नहीं करता रिकॉर्डिंग। भाइयों मैं तो खुले विचारों का व्यक्ति।